फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको शॉर्ट कट में हम लोग एनसीएल रिसर्च के नाम से जानते हैं। देखिए, अभी इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेजी चल रही थी, यानी कि इसका शेयर प्राइस लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों से अब इसमें लोअर सर्किट लग गया है, और लोअर सर्किट लगता है तो आपको पता है कि स्टॉक नीचे की तरफ आने लगता है और उसमें काफ़ी तेजी से प्राइस नीचे की तरफ आता है। तो अभी ये जो इसके इन्वेस्टर्स हैं या जिन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में इसमें तेजी को देखकर पैसा लगाया था, उनके लिए काफ़ी एक मतलब चिंता की बात है। उसी चिंता और घबराहट को इस वीडियो में मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। आपको बताऊंगा कि एनसीएल रिसर्च में अभी उतनी चिंता की बात नहीं है जितना आप डर रहे हैं। देखिए, एनसीएल रिसर्च का शेयर प्राइस देखेंगे तो पिछले ट्रेडिंग सेशन दौरान तकरीबन इसने 42 पैसा पर अपना क्लोजिंग दिया है, वो भी 4.5% के आसपास गिरावट के साथ। लोअर सर्किट लगता है तो तकरीबन 5% का लोअर सर्किट लगता है, और उसी की रफ्तार से प्राइस नीचे, या जब अपर सर्किट लगता है तो इसी की रफ्तार से सामान्यतः प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो अभी इसमें तकरीबन 5% का लोअर सर्किट आपको लगा हुआ दिखाई देगा। अब ये तो एक सप्ताह की बात होगी, एक दिन की बात होगी। पिछले एक सप्ताह हम देखेंगे तो एक सप्ताह में भी स्टॉक तकरीबन आपको 67% के आसपास, 6.67% के आसपास टूटा है। वहीं पिछले एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में अभी स्टॉक ग्रीन में दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये जो लोअर सर्किट लगा है वो लोअर सर्किट हाल फिलहाल में लगा है, और इस ये जो तेजी चल रही थी ये कुछ दिनों से चल रही थी, जिसके बदौलत अभी एक मंथ का रिटर्न आपको ग्रीन में दिखाई देगा। हालांकि पिछले सिक्स मंथ में देखेंगे तो सिक्स मंथ में स्टॉक आपको निगेटिव में दिखाई देगा, तकरीबन 15% के आसपास से स्टॉक टूटते हुए दिखाई देगा, क्योंकि ये जो तेजी आई थी मैंने बताया कि उतना लंबा भी नहीं रहा ये तेजी, जिसकी वजह से कि ये जो सिक्स मंथ का जो आपको मतलब निगेटिव में दिखाई दे रहा वो प्रॉफिट में हो जाए। लेकिन तेजी कुछ दिनों तक यदि बरकरार रह जाती तो जैसे एक मंथ का रिटर्न देखेंगे ग्रीन में आ गया है, वैसे ये सिक्स मंथ का जो रिटर्न है निगेटिव में ये भी ग्रीन में आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव में हो जाता। तो जब तेजी आएगी कुछ दिनों तक सस्टेन रहेगी तो सिक्स मंथ का रिटर्न भी आपको पॉजिटिव में हो जाएगा। ये रहा एनसीएल रिसर्च, और यहाँ पर मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। जैसे अभी मैंने इस कंपनी के एक साल का चार्ट ओपन किया है, और एक साल के चार्ट पर मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, आप उसको ध्यान से समझेंगे तो आप पाएंगे। जब एक साल का मैंने इस कंपनी का चार्ट ओपन किया तो आप देखेंगे कि इस स्टॉक में गिरावट पिछले काफी दिनों से हो रही थी। स्टॉक का प्राइस गिर गिर के यहां तक आया, ये तकरीबन सितंबर 2022 का एरिया, और इसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में चला गया। कंसोलिडेशन रेंज कहने का मतलब कि स्टॉक का प्राइस सिर्फ स्टॉक जो है किसी दो प्राइस के बीच में फंस गया था, और इसी में रेंज बाउंड कर रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन इस पर्टिकुलर लेवल पर देखेंगे जो कि मार्च 2023 का एरिया, यहाँ पर प्राइस इस लाइन के जो इसके लिए एक बॉर्डर लाइन था, सपोर्ट लाइन था, इसको भी ब्रेक करके नीचे आ गया। तो यहाँ पर जो इसके इन्वेस्टर थे काफ़ी चिंता में थे कि प्राइस अब इस लाइन को भी ब्रेक कर दिया, यानी कि और नीचे आ सकता है। लेकिन देखेंगे कि ये स्टॉक में उतना पोटेंशियल है कि प्राइस ज़्यादा दिनों तक नीचे नहीं रह पाया, और उसके बाद तुरंत ही फिर प्राइस इस रेंज में जो कि इसका कंसोलिडेशन रेंज था उसी में आ गया। तो अभी क्या है कि अभी आप स्पष्ट रूप से देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस पहले जिस रेंज में था उसी रेंज में आ गया है, यानी कि यहाँ पर जो प्राइस इस लाइन के नीचे निकला था इसके ऊपर आ गया है। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी आपको उतनी चिंता की बात नहीं है, कम से कम प्राइस जहाँ नीचे आया था, जहाँ पर ज़्यादा चिंता की बात थी, उससे तो प्राइस ऊपर आ गया है। अब क्या होगा कि स्टॉक देखिए काफ़ी दिनों तक आपको पता है कि शेयर मार्केट है, ये धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। स्टॉक काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेशन रेंज में नहीं रहेगा, इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा, ऊपर निकलेगा। और सामान्यतः यही होता है कि जब कोई स्टॉक काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा होता है तो कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद स्टॉक का प्राइस सामान्यतः ऊपर ही जाता है। तो आप अभी वेट कीजिए इस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक होने का। जैसे ही ये कंसोलिडेशन रेंज ब्रेक होगा तो इस बार प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। इस बात को आप गांठ मान के रखिए, क्योंकि एनसीएल रिसर्च में वो पोटेंशियल है कि आपको ये स्टॉक एक बहुत बड़ी कामयाबी दिला सकता है आपके पोर्टफोलियो ग्रीन में लाने में, यदि आपको पोर्टफोलियो रेड में है। और मैं ये बात हवा हवाई में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एनसीएल रिसर्च आपको पता है एक एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो इन दिनों इन कंपनियों का क्रेज काफ़ी अधिक, लोग बैंक में जाने के बजाय एनबीएफसी में जाने का पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ इजीली लोन वगैरह मिल जाता है। लेकिन एनबीएफसी में ये एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ लोन नहीं देती बल्कि इन्वेस्टमेंट का काम भी कंपनी करती है। और इसके अलावा देखेंगे तो एनसीएल रिसर्च में इस कंपनी का भले मतलब मार्केट कैप थोड़ा कम है, वह है तो पेनी स्टॉक ही, मार्केट कैप कम होने के बावजूद भी कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल इंप्रूव है माइनस में नहीं है, ये काफ़ी बड़ी बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट की यदि मैं आपको बात करूँ तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर जो सेल्स है, सेल्स में आपको इंक्रीजमेंट होते हुए दिखेगा, यानी कि सेल्स बढ़ रहा है। तो जब जाहिर सी बात है सेल्स बढ़ने का मतलब हुआ कि कंपनी की सेवाएं को लोग ले रहे हैं, और जब सेल्स बढ़ रहा है तो उसी की वजह से जो कंपनी का प्रॉफिट है आपको प्रॉफिट भी यहां पर बढ़ते हुए दिखेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल यहां पर आपको मजबूत होते हुए दिख रहा है, और जब फंडामेंटल मजबूत होगा तभी कंपनी मजबूत होगी, और जब कंपनी मजबूत होगी तो शेयर प्राइस आने वाले समय में ऊपर ही जाएगा।
इसीलिए मैंने आपको बताया कि NCL रिसर्च का जो अभी मैंने चार्ट पर दिखाया कि ये स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन रेंज में है, तो जैसे उस कंसोलिडेशन रेंज को स्टॉक मतलब फंडामेंटल धीरे धीरे मजबूत होगा, कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो ये प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो थोड़ा समय देना होगा, पेनी स्टॉक है, इसमें धीरज बना के रखना होगा। बाकी निकलना चाहते तो आपकी मर्जी है, आप जब निकल जाइए। लेकिन NCL रिसर्च एक बढ़िया कंपनी, आने वाले समय में इसमें बेहतर अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की मिल सकती है। तो NCL रिसर्च के बारे में जो बातें थी मैंने आपको बता दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं कहता नहीं हूँ और आप लोग भी करते नहीं हैं। देखिए यदि आप मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जहाँ मैं तसल्ली से आपके सवालों का जवाब देता हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।